जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंडोक्राइन सिस्टम का एक नया चैप्टर है जिसका नाम है जी ड्रग्स फॉर डायबिटीज। ठीक है जी, तो आज हम डायबिटीज की ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। डायबिटीज की ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए कि व्हाट डू यू कॉल डायबिटीज, आप डायबिटीज किस चीज को कहते हैं। तो डायबिटीज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अलग सी बात है, वो मेडिसिन में पढ़ते होते हैं कि हम किस तरह डायग्नोस करते हैं, हम वो चीज नहीं पढ़ते। हम सिर्फ एक कंडीशन की बात करते हैं कि डायबिटीज इज अ कंडीशन। ठीक है जी, ये आपके पास एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके पास दो चीजें होती हैं। आपके पास एक तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ठीक है जी, इंक्रीज्ड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इन साइड द ब्लड, एक ये चीज होती है। और दूसरा आपके पास डिक्रीज्ड इंसुलिन होता है, ठीक है जी, डिक्रीज्ड इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। ठीक है जी, तो ये दोनों पिक्चर आपको नजर आती हैं डायबिटीज की पिक्चर में। ठीक है जी, दिस इज हाउ यू डिस्क्राइब डायबिटीज, के आपके पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया होगा और हो सकता है कि उसको डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन हो, ये दोनों पिक्चर आपको नजर आएंगी। अच्छा, तो ये आपके पास वो होगी डायबिटीज होगी। ठीक है जी, फिर जब डायबिटीज को हम मजीद स्टडी करते हैं तो हम उसको जाहिर सी बात है फिर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, आपने नाम सुना होगा डायबिटीज टाइप 1 का और डायबिटीज टाइप 2 का। ठीक है जी, तो टाइप्स के लिहाज से तो डायबिटीज हम चार टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जिस तरह मैंने कहा कि एक टाइप कौन सी है जी टाइप 1, ठीक है जी, टाइप 1 डायबिटीज, और दूसरी कौन सी है वो आपके पास टाइप 2 डायबिटीज है। ये तो टाइप्स के लिहाज से वो हुआ, लेकिन डायबिटीज मेलाइटिस के अलावा भी डायबिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेगनेंसी में डायबिटीज होने को हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है जी, और क्या कहते हैं जी, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, इस तरह डायबिटीज ड्यू टू एड्रेनल डिजीज की वजह से होता है। तो वो चीजें हमारे पास फिर फोर बेसिक टाइप्स आ गई। ठीक है, लेकिन हम चारों नहीं पढ़ते, हम सिर्फ दो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को पढ़ते हैं। ठीक है जी, अब टाइप 1 डायबिटीज क्या है और टाइप 2 डायबिटीज क्या है, तो इन दोनों को सिंपल आप कर सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि टाइप 1 में आपके पास डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। ठीक है जी, डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन मतलब ये है कि प्रोडक्शन फैक्ट्री में मसला है, देयर इज डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन, एंड प्रोबेबली प्रोबेबली जो इसकी कॉज होती है वो आपके पास यही होती है कि देयर इज डिस्ट्रॉयड देयर आर डिस्ट्रॉयड बीटा सेल्स। ठीक है जी, बीटा सेल्स वो होते हैं जो आपके पेनक्रियाज में, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में पड़े होते हैं, एंड दे आर द वंस हु आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। ठीक है जी, तो इंसुलिन की प्रोडक्शन आपको कम नजर आएगी बाय 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 ऑरिजिन। ठीक है, मतलब इंसुलिन बन ही नहीं रहा। और दूसरा जो आपके पिक्चर है उसमें यह होता है आपके पास कि आपके पास इंसुलिन होता है, देयर इज इंसुलिन, बट उस इंसुलिन की क्या हो जाती है, उस इंसुलिन की आपके पास रेजिस्टेंस बन जाती है। ठीक है जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब देयर इज इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन निकलता भी है, सिक्रीट भी हो जाता है, लेकिन इंसुलिन अपना काम नहीं करता। ठीक है जी, दैट इज व्हाई वी कॉल इट इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है जी, अब इसमें क्या पिक्चर है और इसमें क्या पिक्चर है, देखें दोनों में बड़ी साफ पिक्चर है। ठीक है जी, बेसिकली एनाटॉमी वाइज हम जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं दिस इज योर दिस इज द पेनक्रियास। ठीक है जी, ये पेनक्रियास है, पेनक्रियास के अंदर आपके पास क्या है, वहां के बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। ठीक है जी, इंसुलिन वंस सिक्रीटेड व्हाट डज इट डू, ये जाता है और आपके सेल्स पर एक्ट करके वहां से ग्लूकोज को क्या करता है, कम करता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन से ग्लूकोज को उठा के उसको सेल्स में दफन कर देता है, स्टोर कर देता है। तो आपका वो जो ग्लूकोज है वो सेल्स में ट्रांसफर हो जाता है और आपकी ब्लड में नजर नहीं आता। ठीक है जी, तो ये किस तरह करता है, ये इस तरह करता है कि इंसुलिन आता है और हर एक सेल के ना ऊपर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक इंसुलिन रिसेप्टर पड़ा होता है। ठीक है जी, ये इंसुलिन वहां पर आके लग जाता है। वंस दिस रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड बाय इंसुलिन हार्मोन, तो आपकी दूसरी तरफ जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है, ठीक है, या चैनल होता है जिसे आप ग्लट बोलते हैं, ठीक है जी, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन चैनल, तो उस चैनल के जरिए फिर क्या हो जाता है, ग्लूकोज अंदर से बाहर से अंदर सेल के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है जी, दिस इज हाउ ग्लूकोज कम्स इनसाइड द सेल। और बाहर क्या है, बाहर क्या है, बाहर ब्लड है, तो ब्लड से ग्लूकोज आपका निकल कर कहां आया, वो आपके सेल के अंदर आया। ठीक है जी, तो इंसुलिन इस तरह काम करता है। अब आपका मसला क्या होता है टाइप 1 में, टाइप 1 में आपके पास यहां पे मसला होता है, बीटा सेल आपका इंसुलिन बनाते ही नहीं है, द प्रॉब्लम इज लाइंग हियर इन द फर्स्ट स्टेप कि आपके पास इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं होता। तो ये आपके पास जब इंसुलिन आता ही नहीं है तो आपके पास ये क्या हुआ, टाइप 1 हुआ। और जब आपके पास इंसुलिन आया लेकिन वो अपने रिसेप्टर्स पर लगा नहीं, ठीक है, वहां के रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं हुए, वहां पर इंसुलिन ने अपना काम नहीं दिखाया, इट मींस कि वहां पर इंसुलिन है लेकिन इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस है, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है जी, दोनों सूरतों में, ये टाइप 1 है इंसुलिन नहीं बन रहा, या टाइप 2 है कि इंसुलिन अपना काम नहीं कर रहा, दोनों सूरतों में आपके पास ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं आता और आपके पास जो पेरिफ्रीज है या आपके जो सर्कुलेशन है उसमें आपको ग्लूकोज ज्यादा मिलता है, व्हिच यू कॉल हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है जी, दिस इज द पिक्चर ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, डायबिटीज के टाइप्स आने चाहिए। ठीक है जी, अब डायबिटीज जैसे मैंने कहा ये चीज मैंने सारी आपको बताई। ठीक है जी, ये मैंने क्या कहा कि आपके पास जब एक नेचुरल एक वो होता है, ठीक है जी, ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, दिस इज योर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में आपके पास क्या है, ये आपके पास ग्लूकोज है। ठीक है जी, अब आपको देखें ग्लूकोज तो होता है और वो आपको क्या हो जाता है, कभी हाई भी हो जाता है खाना खाने के बाद, कभी लो भी हो जाता है, तो दो पिक्चर्स आपके पास फिर बनती है। ठीक है जी, मतलब इंसुलिन कैसे काम करता है और इंसुलिन के खिलाफ दूसरा जो हार्मोन है जिसे आप क्या कहते हैं, ग्लूकागॉन कहते हैं, वो ग्लूकागॉन किस तरह काम करता है, दोनों की पिक्चर बहुत अलग है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाली सिचुएशन जो है, ये फॉर एग्जाम्पल ऐसी है कि आपको खाना आपने तिके खा लिया, आपने मछली खा लिया, आपने शिंगारी खा लिया। ठीक है जी, अब आपके पास क्या हुआ, जब आपने खाना खा लिया तो आपका क्या हो जाता है, हाई
ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है, ठीक है जी, हाई ब्लड ग्लूकोज है। ये हाई ब्लड ग्लूकोज जाता है और किस पर एक्ट करता है, आपके पेनक्रियाज पर एक्ट करता है, ठीक है जी। पेनक्रियाज से क्या करवाता है, वहां से इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है जी। अब इंसुलिन जब ज्यादा हो जाता है तो क्या करता है, इंसुलिन अभी आपके पास पेरिफेरीज में घूम रहा है, ठीक है जी, दिस इज द इंसुलिन। अब ये इंसुलिन दो काम करता है, या तो ये इंसुलिन आकर लिवर पे एक्ट करता है, ठीक है जी, दिस इज द लिवर, ठीक है जी। ये आपके पास लिवर है तो लिवर में ग्लूकोज की कन्वर्जन कर देता है, ठीक है जी। व्हाई, बिकॉज इंसुलिन तो स्टोरेज कर पाएगा ना, इंसुलिन ने तो स्टोर करवाना है, उसने तो स्टोर बनाना है, ग्लूकोज को स्टोर करना है। तो हाउ डज इट डू, ये इंसुलिन आता है और ग्लूकोज को लिवर में कन्वर्ट कर देता है, किस चीज में, ग्लाइकोजन में, ठीक है जी, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब ग्लाइकोजन आपके पास एक स्टोरेज मॉलिक्यूल है, इसमें अंदर ग्लूकोज स्टोर है, जरूरत पड़ने के वक्त ये ग्लाइकोजन टूट जाएगा और वापस ग्लूकोज में तब्दील हो जाएगा, ठीक है जी। फिलहाल तो आपको जरूरत नहीं है ना, फिलहाल तो आपने खाना खाया हुआ है, तो ये इंसुलिन आपका ज्यादा ज्यादा ग्लूकोज लेकर आता है और उसे स्टोर करता है आपके लिवर में, ठीक है जी। दूसरा, ये इंसुलिन एक और काम भी करता है, जाहिर सी बात है सेल्स को इमीडिएटली एनर्जी भी चाहिए होती है, इमीडिएटली, ठीक है जी। तो इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये इंसुलिन क्या करता है, आपके सेल्स जो होते हैं, ठीक है जी, दीज आर द सेल्स, उन सेल्स की एक्टिव, वहां पर जो सेल्स हैं, ठीक है जी, इनकी क्या करवाता है, इन पर जाके इस ग्लूकोज को लेके जाता है, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल दिस इज ग्लूकोज, ये इंसुलिन ने क्या कर दिया, इंसुलिन ने उस ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके आया। सेल के अंदर जब क्या हुआ, सेल के अंदर अब जाहिर सी बात है ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है और आपके पास क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है, ठीक है जी। दिस इज द मॉलिक्यूल, द एनर्जी मॉलिक्यूल विच इज प्रोड्यूस, और ये एटीपी आपके सेल्स को प्रोवाइड हो जाता है, या सेल्स में या आपकी सर्कुलेशन में दौड़ने भी लगता है, ठीक है जी। ये आपके पास वो पिक्चर है जब इंसुलिन काम करता है, इंसुलिन हाई ब्लड ग्लूकोज को डिटेक्ट करके रिलीज हो जाता है, रिलीज होने के बाद वो ग्लाइकोजन बनाता है स्टोरेज मॉलिक्यूल पे और सेल्स को इमीडिएटली एटीपी। अब हमारे पास ये तो था जब हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो गया था, ठीक है जी। अब कभी कभार हमारा ग्लूकोज जो है वो डाउन हो जाता है, नीचे हो जाता है, हम हाइपरग्लाइसीमिया नहीं बल्कि हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है फिर, देखें उस वक्त ये होता है कि आपके पास होता क्या है, ये जैसे मैंने कहा यहाँ पे हाई ब्लड ग्लूकोज है, तो जाहिर सी बात है हाइपोग्लाइसीमिया में आपके पास क्या होगा, लो लो ब्लड ग्लूकोज होगा, ठीक है जी। लो ब्लड ग्लूकोज को कौन डिटेक्ट करता है, कौन सेंस करता है, आपका पेनक्रियास, ठीक है जी। पेनक्रियास क्या करता है, दिस इज योर पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास क्या सिक्रीट करवाता है, वो आपके ग्लूकागॉन सिक्रीट करवाता है, ठीक है जी। ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करवाता है, ठीक है जी। ग्लूकागॉन हार्मोन ये आ गया आपके पास, ठीक है जी, दिस इज द ग्लूकागॉन हार्मोन। अब ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, ये जाके आपके लिवर और आपके सेल्स पर एक्ट करता है, ठीक है जी। ये आपका लिवर था, इसमें कौन सी चीज स्टोरेज थी, स्टोरेज थी, कौन सी चीज इसमें स्टोर हुआ था, कौन सी चीज लिवर में स्टोर थी, कौन सा एनर्जी मॉलिक्यूल था, ग्लाइकोजन था ना। तो ग्लाइकोजन क्या करता है, यहाँ पर ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन की कन्वर्जन करवा देता है, ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ठीक है जी। फ्रेश ग्लूकोज आपके पास आ जाता है और ये फ्रेश ग्लूकोज दोबारा आपके ब्लड सर्कुलेशन में इंटर हो जाता है। दिस इज हाउ द ब्लड इज, द ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इज कंट्रोल्ड। आपके पास हाइपरग्लाइसीमिया में ये था कि इंसुलिन आया और उसने स्टोरेज मॉलिक्यूल्स बनाए, ठीक है जी। अब लो ब्लड ग्लूकोज में आपके सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, उसने ग्लूकोज कहां से लाया, ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करके बाय द अल्फा सेल्स, ठीक है जी। यहाँ पर बीटा सेल्स थे ना जो इंसुलिन रिलीज करवा रहे थे, ये अल्फा सेल्स हैं, ठीक है जी। तो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकला और ग्लूकागॉन ने क्या किया, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया ग्लूकोज में और ग्लूकोज दोबारा से सर्कुलेशन में इंटर हो गया और आपका ब्लड ग्लूकोज दोबारा से नॉर्मल हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया से आप नॉर्मोग्लाइसीमिक हो गए, ठीक है जी। ये आपके पास एक पिक्चर है ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाउ डज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एक्ट, ठीक है जी, ये दोनों की वर्किंग है। अब हम जाते हैं जी डायबिटीज की ट्रीटमेंट की तरफ, ठीक है जी। यहाँ तक हमने डायबिटीज का सिर्फ और सिर्फ आगे पीछा, अब आगे पीछे बैकग्राउंड पढ़ा, हमने क्या किया, डायबिटीज को डिफाइन किया, हमने डायबिटीज के टाइप्स को डिफरेंशिएट किया और हमने इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, सॉरी इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन की वर्किंग पढ़ी, ठीक है जी। अब हम जाएंगे किसकी तरफ, ड्रग्स की तरफ, ठीक है जी, ड्रग्स फॉर डायबिटीज की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। अब देखें सबसे पहले आपके पास जब ड्रग्स आती है तो उसको देखें, इंसुलिन सबसे पहली ड्रग आती है जब आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं ऑफ डायबिटीज, ठीक है जी। पहले से मुराद ये नहीं है कि इट इज द वन टू स्टार्ट विद, स्टार्ट नहीं किया जाता इंसुलिन से, लेकिन इंसुलिन सबसे पहली इजी और मतलब वो रैपिड फॉर्म होती है जब आप डायबिटीज की फॉर्म डायबिटीज की ट्रीटमेंट के देते हैं, ठीक है जी। तो द नंबर वन इज इंसुलिन, ठीक है जी। अब इंसुलिन जितने भी हैं ये सारे आपके पास इंजेक्टेबल फॉर्म्स हैं, ठीक है जी। व्हाई, इंसुलिन एनालॉग्स इनको हम कहते हैं, ठीक है जी, एनालॉग्स कहते हैं, दीज आर द इंसुलिन लाइक सब्सटेंसेस जो कि आपकी ग्लूकोज को कम करते हैं। अब ये इंसुलिन एनालॉग जितने भी आपके पास होते हैं दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज इंजेक्टेबल्स, ठीक है जी। इनको आप इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं, व्हाई, बिकॉज आपका जो गैस्ट्रिक एनवायरमेंट होता है, ठीक है जी, जो कि आपकी डाइजेशन करवाता है, इसमें अगर इंसुलिन आ भी जाए तो इंसुलिन इतना जो है वो है, ठीक है जी, सेंसिटिव है टू द एचसीएल एनवायरमेंट, ठीक है जी, एसिडिक एनवायरमेंट, कि इस एसिडिक एनवायरमेंट से ये पेप्टाइड्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं और इंसुलिन अपना काम करने से पहले ही क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। दैट इज व्हाई यू गिव इट बाय इंजेक्शन, इंसुलिन को हम इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं, ठीक है जी। अब इंसुलिन के आपके पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टाइप्स हमने डिवाइड किए होते हैं किस चीज के ऊपर, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के ऊपर एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन की, ठीक है जी, मतलब कितनी देर काम करता है और कितनी जल्दी काम शुरू करता है, इसकी बिना पर हमने इसको डिवाइड किया होता है इंसुलिन एनालॉग को, ठीक है जी। फिलहाल के लिए आप ये याद रख लें कि इंसुलिन जितने भी आपके पास हैं ये आपके अपने इंसुलिन से ही बनाए गए हैं। आपने नाम सुना होगा ना जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिसमें आपकी जीन्स निकाल के उससे रिकॉम्बिनेंट फॉर्म निकाल के, ठीक है जी, रिकॉम्बिनेंट जीन डीएनए बनाकर
उसका क्या करते हैं, उसको बैक्टीरिया में डालते हैं और बैक्टीरिया से एक बल्क की फॉर्म में हमें आ जाता है, ठीक है जी। तो ये रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन है, ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है जी, ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। इससे हमारे पास बहुत बड़ी बल्क आ जाती है एंड वी यूज टू ट्रीट इट फॉर वी यूज टू ट्रीट द पेशेंट, ठीक है जी। अब हमारे पास ये इंसुलिन की तारीफ होगी। इंसुलिन की तारीफ करने से पहले इसके साथ मैंने क्या कहा, ये जब भी दी जाती है इंजेक्टेबल्स दी जाती है और इनको हम ज्यादातर सबक्यूटेनियसली देते होते हैं, ठीक है जी। कुछ आपके पास आए हैं जो कि आईवी भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आईवी नहीं इस्तेमाल किया जाता, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ये सबक्यूटेनियसली इस्तेमाल होते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन इसको हम टाइप में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड एंड ऑनसेट, ठीक है जी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो इन दोनों चीजों में हम इसको डिवाइड करते हैं। अब इसी चीज को लेकर हमने इंसुलिन को डिवाइड किया है, ठीक है जी। सबसे पहले जो आपके पास इंसुलिन आती है उसमें आपके पास आती है जी रैपिड इंसुलिन, ठीक है जी, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, मतलब इंसुलिन है लेकिन वो रैपिड एक्टिंग है। व्हाई इट इज कॉल्ड रैपिड एक्टिंग, फिर वही बात आ जाती है कि ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन को हम लेकर बात करते हैं, ठीक है जी। अब इसको हमने रैपिड एक्टिंग इंसुलिन क्यों कहा, ठीक है जी, ये इंसुलिन के ही टाइप्स हो रहे हैं, ठीक है जी, इंसुलिन के टाइप्स पढ़ रहे हैं। इसमें पहली जो टाइप पढ़ रहे हैं वो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, ठीक है जी। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को हमने रैपिड एक्टिंग इसलिए कहा बिकॉज ये आपके पास 30 मिनट्स तक अपना इफेक्ट स्टार्ट कर देती है, ठीक है जी। तो जब हम इफेक्ट की बात करते हैं तो ये हम कहते हैं कि 30 मिनट्स में शुरू कर देता है और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, मतलब कितनी देर तक काम करता है या ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट है, वो आपके पास कितना है जी, वो आपके पास 5 आवर्स तक है, ठीक है जी। सो 5 आवर्स आपने इसका टाइम नोट कर लेना है, ठीक है जी। और एक्शन कितने देर में होता है, वो जल्दी हो जाता है, ठीक है जी। अब इसमें भी इस रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में भी नए आए हैं, ठीक है जी, जिनको आप क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन आते हैं, ठीक है जी। उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम है थोड़ा सा, लेकिन इफेक्ट उनका बहुत जल्दी आ जाता है, उसकी हम बात नहीं करें, दैट इज न्यू थिंग। बट हम वैसे जब हम बुक की बात करते हैं तो बुक में आपके पास रैपिड एक्टिंग को इस तरह डिफाइन किया गया है, ठीक है जी। इसमें आपके पास जो इंसुलिन के जो एनालॉग आते हैं रैपिड एक्टिंग में, वो आपके पास क्या है जी, लिस्प्रो, ठीक है जी, लिस्प्रो, एक लिस्प्रो इंसुलिन, ठीक है जी, ये एक इंसुलिन की टाइप है, रैपिड एक्टिंग की टाइप है, ठीक है जी। लिस्प्रो है आपके पास एस्पार्टेट है, ठीक है जी, ठीक है जी। और आपके पास तीसरी है जी ग्लूलाइसिन, ठीक है जी, ग्लूलाइसिन। ये आपके पास तीन इंसुलिन हैं और ये तीनों आपको रैपिड एक्टिंग देती हैं। किस तरह रैपिड एक्शन देती हैं, 30 मिनट्स में आपका काम स्टार्ट हो जाता है और 30 मिनट्स से स्टार्ट होकर 5 घंटों तक आपका काम स्टार्ट रहता है। इसमें जो ड्रग आती है या इंसुलिन आता है वो ये है, ठीक है जी, तीन आपके पास है, ठीक है जी, बात समझ आई। इसके बाद हम दूसरी चीज पढ़ते हैं, उसे हम शॉर्ट एक्टिंग कहते हैं, शॉर्ट एक्टिंग कहते हैं या उसे हम रैपिड एक्टिंग सॉरी रेगुलर इंसुलिन कहते हैं, ठीक है जी। तो दूसरी आपके पास कौन सी आती है जी, आपके पास रेगुलर या शॉर्ट रेगुलर आती है, ठीक है जी, रेगुलर या शॉर्ट एक्टिंग आती है, ठीक है जी। अब रेगुलर या शॉर्ट एक्टिंग को हम रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा है और रेगुलर इंसुलिन का मतलब है कि इट इज जस्ट बिल्कुल कॉपी होती है आपकी रेगुलर आपके अपने इंसुलिन की, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम जब इफेक्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी द इफेक्ट इज इन 2 आवर्स, ठीक है जी, इन 2 आवर्स, 2 घंटों में आपका इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन इज अ लिटिल लॉन्गर देन दिस रैपिड एक्टिंग, ठीक है जी। वहां पर 5 घंटे हैं, यहाँ पर ये वाला इंसुलिन 8 आवर्स तक आपको इफेक्ट देता है, द रेगुलर इंसुलिन, ठीक है जी। इसमें भी आपके पास एक टाइप आती है या उसको हम सिंपली रेगुलर इंसुलिन ही कहते हैं, ठीक है, कोई खास नाम नहीं है उसका। इसमें जो भी ड्रग है उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर इंसुलिन ही कहते हैं, ठीक है जी, आपने ये याद रखना है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड द इफेक्ट, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो तीसरी टाइप आती है वो आपके पास ना रैपिड है ना रेगुलर है, वो शॉर्ट एक्टिंग नहीं है। शॉर्ट एक्टिंग का क्या है, शॉर्ट एक्टिंग के बाद आता है जी इंटरमीडिएट एक्टिंग, ठीक है जी। तो ये आपके पास इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन आ गई, ठीक है जी। इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि इसका जो इफेक्ट है वो आपके पास कितने देर में आता है, वो इफेक्ट इज इन 6 आवर्स, ठीक है जी, इफेक्ट आपके पास 6 आवर्स। अब ये देखिए मैं आपको ये इफेक्ट जो बता रहा हूँ ना, 6 आवर्स, 2 आवर्स, 30 मिनट्स, ये जितने भी इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ ये पीक इफेक्ट है, ये स्लो इफेक्ट नहीं है। स्लो इफेक्ट तो जल्दी भी आ जाता है, वो तो स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप इंजेक्शन देते हैं, लेकिन जो पीक इसका होता है ना, पीक इफेक्ट या मैक्सिमल इफेक्ट जो होता है वो 6 घंटों में आता है, ठीक है जी। वैसे इफेक्ट जल्दी आना ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी, विद इन 15 to 30 मिनट्स आ जाता है, लेकिन इफेक्ट जो पीक आता है वो 6 आवर्स में आता है, ठीक है जी। अब इसकी ड्यूरेशन कितनी है, जब आप एक दफा इंटरमीडिएट को इंजेक्ट करते हैं द इफेक्ट लास्ट अबाउट 18 आवर्स, ठीक है जी, 18 आवर्स के लिए। तो आप अभी देखें, अगर आपके पास आपने एक डायबिटिक पेशेंट को डील करना है और आपने चार्ट बनाना है कि इसको कितना इंसुलिन चाहिए, कैसे इसको हम डील करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आप किस तरह चीज को लेके जाएंगे। आपने इंटरमीडिएट एक्टिंग लेने हैं, आपको पता होगा कि वो कितना काम करेंगे, वो 18 घंटे काम करेंगे, मतलब 24 घंटे में 18 घंटे उनका एक इंसुलिन काम करेगा, ठीक है जी। अगर आप ये वाला रेगुलर इंसुलिन लेते हैं, फिर आपने ये दिन में 3 दफा देने हैं, ठीक है जी। वाई बिकॉज 8 आवर्स की ड्यूरेशन है, तो 8 आवर्स, 8 आवर्स और फिर 8 आवर्स, ये 24 घंटे में आपने 3 TDS देना है, ठीक है जी। ये तो फिर आपने जल्दी जल्दी देना है, ठीक है जी। वाई बिकॉज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज लेस। तो इसको आप वो क्या कहते हैं, एक वो होती है ना कंडीशन होती है काइंड अप्लाई, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला ना सर, काइंडली पीपल, अच्छा राइट इन फ्रंट ऑफ देम, क्या लिखूं मैं इसको मैं, अच्छा डोज की बात कर रहे हैं। ये देखें ना, ये डोज आपको मैक्सिमली कितनी चाहिए होती है, ये आपको 4 to 5 टाइम्स देनी पड़ती है, ठीक है जी। फिर जब रेगुलर की बात करते हैं तो ये आपको TDS में देनी पड़ती होती है। वाई बिकॉज ये तीन
चीजें देंगे तो आपका 24 आवर्स कवर करेगा। और इंटरमीडिएट एक्टिंग आपको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन से समझ आता है कि यू गिव इट ओडी और ओडी में इसका आप चीज बरकरार रहती है। ठीक है जी। इसमें जो ड्रग आती है उसका पूरा नाम तो मुझे भी खैर नहीं याद, आपकी बुक में है, एनपीएच से नाम जाना जाता है। ठीक है जी, वो जरा देख लें आप खुद। ठीक है, मुझे याद नहीं है, बस हम इसको एनपीएच एनपीएच करके बुलाते हैं। ठीक है जी, अब मैंने पूरा नाम याद नहीं किया। अच्छा, एनपीएच आपके पास क्या है? इंटरमीडिएट एक्टिंग है। कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि जी इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, 18 आवर्स है। अगर एक पेशेंट को आपने ओडी देना है या घर के लिए इंसुलिन देना है, जाहिर सी बात है वो दोबारा दोबारा तो अपने आप इंजेक्शन नहीं मार सकता, तो आपने कोशिश करनी है कि उसे आप लॉन्ग टर्म वाली या लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाली इंसुलिन दें। ठीक है जी, जिस तरह इंटरमीडिएट एक्टिंग आ गई। अब नंबर 4 पे आपके पास कौन सी इंसुलिन आती है, नजर आ रहा है आपको? नंबर 4 पे आपके पास जो है वो इंटरमीडिएट से भी थोड़ी सी लॉन्ग है, उसे हम कहते ही लॉन्ग एक्टिंग है। ठीक है जी, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अब लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन से मुराद ये है कि आपके पास इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इससे भी लॉन्ग होगा। इफेक्ट आपके पास कितना आएगा? इफेक्ट इज इन 6 to 8 आवर्स। ठीक है जी, ये पीक इफेक्ट की बात हो रही है, मैं फिर कह रहा हूँ पीक इफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, वैसे इफेक्ट तो स्टार्ट हो जाता है थोड़े ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, लेकिन पीक इफेक्ट इसका ये आता है, पीक इफेक्ट इसका 6 to 8 आवर्स में आता है। और आपके पास जो ड्यूरेशन है इस लॉन्ग एक्टिंग की वो आपके पास मोर देन 24 आवर्स है, या आप इसे 24 आवर्स कह सकते हैं। ठीक है जी, सो स्लाइटली मोर देन 24 आवर्स या 24 आवर्स, ये आपके पास लॉन्ग एक्टिंग होती है। अब अगर आपने ओडी देनी है तो आप इसे भी दे सकते हैं और इसको भी दे सकते हैं। ठीक है जी, अब इसमें जो ड्रग्स आती है आपके पास वो कौन सी ड्रग्स हैं? द ड्रग्स इंक्लूड डेटामिर, डेटामिर इंसुलिन, सेकेंड वन इज ग्लार्जिन, ग्लार्जिन इंसुलिन। ठीक है जी, एंड द थर्ड वन इज डेग लूडिक, डेक्लोडिक। ठीक है जी, डेक्लोडिक, ये तीन आपके पास लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होंगे। ठीक है जी, ये सारी आपके पास इंजेक्टेबल फॉर्म्स हैं, रेडीमेड आपको इंसुलिन प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी इंसुलिन हैं ये सारे आपके पास रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन होता है, आपके अपने फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन का ही एक कॉपी बनाया जाता है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उसको हम इंजेक्ट की फॉर्म में लेके आते हैं। वी यूज इट मोस्ट प्रोबेबली इन द सबक्यूटेनियस, जी जी करें करें, और टाइप्स बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है जी, जी जी करें क्वेश्चन करें। अच्छा, वो वाला क्या सीन है? वो तो मुझे भी एक कहानी याद आ गई। ठीक है, इधर इधर बनाऊँ किधर बनाऊँ, उसे क्या कहते हैं? ये एक बार बड़ी डिस्कशन चली थी मेरी किसी के साथ, बल्कि वार्ड में। ठीक है, उसे कहते हैं समोगी इफेक्ट, समोगी इफेक्ट। ठीक है जी, समोगी इफेक्ट आपने सुना भी होगा नाम। ठीक है, ये उस इफेक्ट को कहते हैं कि एक बंदा है वो बिल्कुल नॉर्मल डायबिटिक है। ठीक है, उसका डायबिटीज कंट्रोल रहता है, वो अपनी डोज पूरी लेता है और उसको कुछ भी मतलब इस तरह नहीं होता, कभी उसको ऐसे नहीं हुआ। अब क्या हो जाता है कि वो क्या करता है, वो सुबह उठता है, और जैसे ही सुबह उठता है तो उसका इन जो होता है वो क्या नाम है, ग्लूकोज, ग्लूकोज उसका बहुत ही ऊपर गया होता है, हाइपरग्लाइसेमिक होता है। ठीक है जी, जब वो अपना फास्टिंग का जब अपना चेक करता है ग्लूकोज, तो वो बहुत ही आगे चला गया होता है। अब उसकी वजह क्या है उसे समझ नहीं आ रही। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है जी मैं अपनी आपने जो दवाई दी थी मैं वो दवाई भी लेता हूँ, ठीक ठाक लेता हूँ, फलाना करता हूँ, ढिला करता हूँ, फिर भी मेरा सुबह उठ के ये हाल हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो उसका एक उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए ये है ये चीज। ठीक है, इसे हम समोगी इफेक्ट बोलते हैं। समोगी इफेक्ट का मतलब ये है कि आपने क्या किया, आपने रात को खाना खाया। ठीक है जी, अब नाइट को आपने क्या किया, रात को खाना खाया, या आपने नाइट को क्या किया, आपने जो आपकी डायबिटीज की गोली है या आपने जो मेडिसिन है वो आपने ली। ठीक है जी, अब आपने ड्रग यूज की रात को, रात को क्या हुआ, अब पूरी रात बाकी है ना, तो रात को क्या हुआ, रात को आपका ग्लूकोज जो है वो डिक्रीज हुआ। ठीक है जी, तो ग्लूकोज डिक्रीज हुआ, जैसे ही ग्लूकोज डिक्रीज होता है तो आपकी मतलब ये तो एक नॉर्मल इफेक्ट है कि आपका ग्लूकोज कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपका जो वो बॉडी है वो उसे स्ट्रेस समझता है, क्या समझता है, स्ट्रेस समझ के दोबारा से मतलब हम कह सकते हैं ना रिफ्लेक्स एक्शन करता है, वो आपका ग्लूकोज इंक्रीज कर देता है, आपके एड्रेनल जो आपका मेडुला है या कॉर्टेक्स है उससे कॉर्टिसोल रिलीज होता है और एक स्ट्रेस की कंडीशन बन जाती है जिससे आपका ग्लूकोज दोबारा हाई हो जाता है। अब आपने क्या किया था, आपने ड्रग ली थी डायबिटीज वाली कम करने की, लेकिन उसने उल्टा क्या कर दिया, उसने रिफ्लेक्स एक्शन में आपका ग्लूकोज ज्यादा कर दिया। ज्यादा ग्लूकोज जब आप चेक करते हैं तो आपको क्या नजर आता है, आप कहते हैं जी मुझे समझ नहीं आ रहा दवाई लेता हूँ लेकिन ग्लूकोज ज्यादा है, इसे आप समोगी इफेक्ट बोलते हैं। इस वजह से फिर रात को जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको हम रात को एंटी डायबिटिक्स नहीं देते। ठीक है जी, बात लंबी हो गई, मुझे बड़ी मुश्किल पहले कभी किसी से डिस्कस किया था, याद भी नहीं था पूरी तरह से, लेकिन बस मुश्किल मुश्किल से थोड़ा सा याद है मुझे कि नाइट के वक्त कम हो जाता है तो रात में ही ख्वाब में ही आपका क्या हो जाता है, बॉडी स्ट्रेस समझ के उसे क्या करता है, ग्लूकोज ज्यादा कर देता है और फिर सुबह उठकर उसे ये वाला चीज हो जाता है, ग्लूकोज ज्यादा नजर आता है, इस वजह से रात को नहीं दे सकते। अच्छा जी, बात पता नहीं कहाँ से ली गई। ये आपके पास इंसुलिन है, इंसुलिन अगर आपने पढ़ लिया तो हम आगे जाते हैं। ठीक है, इंसुलिन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो फिर आगे जाते हैं।
इंसुलिन के मुताबिक जरा एक चीज याद रखें कि इंसुलिन को हम डायरेक्ट सिर्फ मतलब वन डोज या सिंगल डोज में नहीं दे सकते, इसको हम कंबाइन करके भी दे सकते होते हैं, ठीक है। वो कंबिनेशन डिपेंड करती है फिजिशियन टू फिजिशियन, लेकिन जो तैयार जो बनी बनाई चीज आती है आपके पास, कंबिनेशन आती है उसमें आपके पास उसको हम मतलब पहले से मिक्स हुए, ठीक है जी, प्री मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहा जाता है उसे, मतलब पहले से मिक्स हुए कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है जी। दो दो इंसुलिन को कंबाइन करके आपके पास एक चीज दी जाती है, बिकॉज कुछ जो इंसुलिन होती है फॉर एग्जांपल ये रैपिड वाली या रेगुलर वाली या शॉर्ट एक्टिंग वाली, ये एकदम से क्या करती है आपका ग्लूकोज कम कर देती है और एकदम से आपको इफेक्ट देती है। तो इसका जो इफेक्ट होता है तो वो पोस्ट प्रांडियल इफेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन हर वक्त ना आपको एक जो है ना ग्लूकोज का लेवल बरकरार रहना चाहिए आपकी बॉडी में, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉडी, तो ना बिल्कुल जीरो ना बिल्कुल हाई, थोड़ा सा इफेक्ट तो थोड़ा सा ग्लूकोज तो नॉर्मल भी रहना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन होता क्या है जब आप कोई इस तरह की सिंगल डोज लेते हैं तो आपका क्या हो जाता है कि वो डोज इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपका ग्लूकोज एकदम से कम हो जाता है, ठीक है जी। अब ये चलता है, तो आपने ली थी हाई ग्लूकोज मतलब उसका ये ग्लूकोज है, ठीक है, तो आपने वो जब ली इंसुलिन तो उसका ये इतना नीचे गिर गया, अब ये उसका ग्लूकोज लेवल है तो कम हो गया ना, जरूरत से ज्यादा कम हो गया। तो इस वजह से हम दो इंसुलिन लेते हैं, एक को हम रैपिड एक्टिंग देते हैं और दूसरे को हम जरा लॉन्ग एक्टिंग देते हैं। लॉन्ग एक्टिंग का फायदा ये होता है कि ये पीक इफेक्ट इसका ज्यादा नहीं होता, मतलब इतना जल्दी इफेक्ट फुल इफेक्ट नहीं देता, बस एक इंटरमीडिएट इफेक्ट देता है, ठीक है जी। तो पोस्ट खाने के बाद अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो वो खाने के बाद वाले ग्लूकोज को एकदम से कम कर देता है, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन में एक लेवल को मेंटेन रखता है। इस वजह से आप कॉम्बिनेशन बनानी चाहिए होती हैं और आप कॉम्बिनेशन में देते हैं, ठीक है जी। आपके पास इस तरह होता है कि 70% ये एनपीएच हो गया, ठीक है जी, जिसे आप क्या कहते हैं इंटरमीडिएट कहते हैं, और इसके साथ क्या कर दिया जाता है 30% दूसरा कर दिया जाता है, 30% इज रेगुलर इंसुलिन, जिसको आप क्या कहते हैं 30% रेगुलर, ठीक है जी। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन भी आती है, या 50% + 50% में भी आता है, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आती है और ये डिपेंड करता है पेशेंट की नीड्स पर, ठीक है जी। व्हाट इज ओडी? ओडी का मतलब होता है ये, ओडी और टीडीएस से मतलब कोई नहीं निकलता, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता, ठीक है। टीडीएस भी हम नहीं जानते, ओडी भी हम नहीं जानते, पीडी भी हम नहीं जानते, लेकिन वैसे लोग कहते हैं कि जी वंस अ डे थ्राइस अ डे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, ये लैटिन के वर्ड्स हैं, ठीक है जी, क्योंकि मेडिसिन लैटिन से आई है तो ये लैटिन के वर्ड्स हैं। ओडी का मतलब ये होता है कि हम एक दिन में एक बार देते हैं, बीडी का मतलब होता है कि दिन में दो बार देते हैं, टीडीएस का मतलब होता है दिन में तीन दफा देते हैं, एसओएस का मतलब होता है हसबी जरूरत देते हैं, और एनओसीटी नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात को देते हैं, वगैरह वगैरह ये चीजें हैं, ये मेडिकल वर्ड में यूज होती है, ये चीजें बात की बातें समझ आ जाएगी आपको इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपके पास इंसुलिन की कहानी होगी, इंसुलिन खत्म हो गया, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, अब एक और चीज भी है जो वो भी इंजेक्टेबल में मिलती है, ठीक है जी, इंजेक्टेबल फॉर्म्स में मिलती है वो चीज भी। अब वो आपके पास क्या है, वो आपके पास इनक्रेटिंस है, ठीक है जी। द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज इनक्रेटिंस, ठीक है जी, इनक्रेटिंस के एनालॉग्स। अब इनक्रेटिंस क्या चीज है, इनक्रेटिंस पहले समझने की बात है, इनक्रेटिंस आपके पास हार्मोन्स होते हैं, ठीक है जी, दीज आर द सब्सटेंसेस, दीज आर द हार्मोन्स, ये वो हार्मोन्स हैं जो कि बॉडी आपके अपनी आपकी अपनी बॉडी का जो गट होता है, ठीक है जी, इंटेस्टाइन होता है, वहां से ये रिलीज हो जाता है, ठीक है जी। और यही हॉर्मोन्स गट से इंटेस्टाइन से रिलीज होकर क्या करते हैं, पैनक्रियास पर एक्ट करते हैं, और पैनक्रियास से क्या करवाते हैं, पैनक्रियास से इंसुलिन की सिक्रीशन करवाते हैं, ठीक है जी, इंसुलिन सिक्रीशन। तो इंसुलिन की सिक्रीशन के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी आपसे सवाल करता हूँ कि इंसुलिन की सिक्रीशन के लिए इनक्रेटिंस जरूरी है कि नहीं है? आप कहेंगे जी बिल्कुल है, बिकॉज जब आप खाना खाते हैं, मछली खाते हैं, गोश्त खाते हैं, वो पेट में जाता है, पेट के जो सेल्स होते हैं आपके इंटेस्टाइन के गट के, उनके सेल्स में से जो जो वहां के सेल्स होते हैं, ल्यूमेन के जो सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, उनसे ये इनक्रेटिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है जी। ये हार्मोन जाते हैं और आपके पैनक्रियास पर एक्ट करते हैं, पैनक्रियास को कहते हैं कि भाई खाना आ गया है, तुम इंसुलिन रिलीज कर जाओ और अब तुमने ग्लूकोज कम करना है। तो ये इनक्रेटिंस हार्मोन्स नेचुरली पाए जाते हैं आपकी बॉडी में। कहा यह जाता है कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन होता है उसकी 60-70% सिक्रीशन कौन करता है, ये इनक्रेटिन हार्मोन्स कहते हैं। अगर ये इनक्रेटिन हार्मोन्स कम हो जाएं, बेशक इंसुलिन बनने की ताकत है, लेकिन अगर इनक्रेटिन खत्म हो जाए तो आपका 60-70% इंसुलिन बनना स्टॉप हो जाएगा, ठीक है जी। व्हाई? बिकॉज़ सिग्नल ये हार्मोन्स देते हैं। अब ये हार्मोन्स जो है आपके पास, इसमें कौन से हार्मोन्स आते हैं, इनक्रेटिन हार्मोन्स में आपके पास दो हार्मोन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। एक आपके पास है जी ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, ये सर्च कर लेना इसका पूरा नाम, ठीक है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड वन, एक ये है, और एक दूसरा भी है जिसको हम कहते हैं, जिसका बड़ा लंबा नाम है जी, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पॉलीपेप्टाइड, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है जी। ये आपके पास दूसरा हार्मोन है, ये GLP-1 और GIP, ये दोनों आपके पास इनक्रेटिन हार्मोन्स हैं, ये दोनों क्या करती हैं, इंसुलिन की सिक्रीशन करवाती हैं। अब आपको फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में जीएलपी बनता है ना, GLP-1 भी बनता है, GIP भी बनता है, बिकॉज उन्होंने इंसुलिन की सिक्रीशन करवानी है। लेकिन मसला क्या आता है, मसला ये आता है कि आपके जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको तो GLP और GIP का काम ज्यादा बेहतर तरीके से चाहिए। व्हाई? बिकॉज दे नीड इंसुलिन सिक्रीशन, उनको तो इंसुलिन की सिक्रीशन ज्यादा चाहिए, तो आपका उस वक्त ये GLP और GIP ज्यादा काम करना चाहिए होता है। लेकिन मसला ये होता है कि GLP और GIP ज्यादा देर तक के लिए काम नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि ये GLP और GIP ये दोनों डिग्रेड हो जाते हैं बड़ी फटाफट, ठीक है जी, इसकी जो डिग्रेडेशन हो जाती है बड़ी जल्दी। इसकी डिग्रेडेशन करता कौन है, ये आपके पास एक एंजाइम है जिसको कहा जाता है जी DPP, DPP, ठीक है जी, DPP4 एक एंजाइम है। इस एंजाइम की वजह से ये जो GLP है या GIP इंक्रेटिन हार्मोन्स है ये टूट जाते हैं। अब इसका टूटना नहीं चाहिए इन डायबिटिक पेशेंट्स, तो इसके टूटने के लिए फिर आपको इंक्रेटिन हार्मोन्स चाहिए। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि ऐसे GLP और GIP बनाए जो कि DIP से ना टूटते हो,
ठीक है जी, उनको हम इंक्रेटिन हॉर्मोन्स ही कहते हैं, लेकिन वो नेचुरल इंक्रेटिन हॉर्मोन्स नहीं है, वो इस इन हॉर्मोन्स के मिमिट्रिक्स है, मतलब इनके जैसे ही है। ठीक है जी, बस फर्क ये है कि जीएलपी और जीआईपी डीपीपी से टूट जाते हैं, और जो हम इंक्रेटिन हॉर्मोन्स बाहर से देते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में, वो आपके पास इस हॉर्मोन से टूटते नहीं है। ठीक है जी, उनमें आपके पास कौन से आते हैं, उनमें आपके पास जो इंक्रेटिन बाहर से आप देते हैं उसमें आपके पास होते हैं जी एक्सिनिटाइड। ठीक है जी, एक्सिनिटाइड एक आपके पास इंक्रेटिन हार्मोन ही है, लेकिन फर्क ये है कि आप बाय से दे रहे हैं और ये डीपीपी से टूटता नहीं है। ठीक है जी, और दूसरा आपके पास क्या है, लायराग्लूटाइड। ठीक है जी, लायराग्लूटाइड, लिराग्लूटाइड या लायराग्लूटाइड और एक्सिनिटाइड, ये दोनों आपके पास इंक्रेटिन हार्मोन्स हैं, दोनों आपकी इंसुलिन की सिक्रीशन को बेहतर करते हैं, और जब इंसुलिन की सिक्रीशन बेहतर होगी तो आपका डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगा। इफ यू वॉन्ट इंसुलिन सिक्रीशन मोर एंड यू डू नॉट वॉन्ट जीएलपी एंड जीआईपी टू ब्रेक डाउन, तो फिर आप बाहर से इंक्रेटिन हार्मोन्स दो। ठीक है जी, इंक्रेटिन हार्मोन्स जो आप बाहर से देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम इंक्रेटिन इंक्रेटिन मिमीट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है जी, मिमीट्रिक्स बोलते हैं, ये बिल्कुल इनक्रेटेंस की तरह काम करते हैं, बस फर्क ये है कि ये डीपीपी से टूटते नहीं है और आपको लॉन्गर ड्यूरेशन देते हैं, किस चीज का, इंसुलिन की सिक्रीशन का। ठीक है जी, ये आपके पास इंजेक्टेबल फॉर्म में पाई जाती है। समझ आ गई, हम आगे चलें, समझ आ गई, आगे चलें, आगे चलें जी। अच्छा, इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी आते हैं, इस इनक्रेटिन हार्मोन को जो आप जब बाहर से लेते हैं तो इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है जी, अब एडवर्स इफेक्ट्स में क्या है, एडवर्स जी जी कर लें क्वेश्चन करें। जो एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले करता है। ठीक है जी, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले करता है, जब ज्यादा देर तक के लिए गैस्ट्रिक एम्प्टिंग नहीं होगी तो जाहिर सी बात है फिर पेशेंट को फिर तकलीफ हो जाएगी। ठीक है जी, व्हाई, बिकॉज गैस्ट्रिक ग्लैंड की तो एम्प्टिंग होनी चाहिए ना, स्टमक की तो एम्प्टिंग होनी चाहिए, तो स्टमक एम्प्टिंग इसमें से क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिले हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ दिस एक्सटर्नल इनक्रेटेंस। ठीक है जी, अब ये चीज हो गया, इसके साथ दूसरा काम भी होता है कि आपको ज्यादा ज्यादा क्या हो जाती है, सेटाइटी हो जाती है, ज्यादा ज्यादा आपको पेट फुल होने लग जाता है। ठीक है जी, पेट फुल होने का मतलब यह है कि आपको भूख नहीं लगेगी, और जब ज्यादा ज्यादा सेटाइटी फील हो, आपके पेट में खाना नहीं होगा लेकिन फिर भी आपको भूख नहीं होगी, तो ये अल्टीमेटली किस चीज में रिजल्ट करता है, ये आपके वेट लॉस में रिजल्ट करता है। ठीक है जी, तो वेट लॉस हो जाना, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग ना होने की तकलीफ ये पेशेंट को होती रहती है। ठीक है जी, इसके साथ बड़ी एक जबरदस्त ये है जो कि खास तौर पे है, वो ये है कि इसके साथ कुछ केसेस आए हैं पेंक्रियाटाइटिस के भी। ठीक है जी, पेंक्रियाटाइटिस के भी आते हैं, उसकी वजह ये है कि इंक्रेटिन क्या करते हैं, आपके पेंक्रियास पर जोर डालते हैं ना कि तुम इंसुलिन को रिलीज कर दो, तो पेंक्रियास पे इसका एक प्रोलिफरेटिव एक्शन होता है, उस प्रोलिफरेटिव एक्शन की वजह से कभी कभार आपको पेंक्रियाटाइटिस भी लग जाता है, मिलने लग जाता है बाय यूजिंग ऑफ इंक्रेटिन एनालॉग्स। ठीक है जी, अब आपका सवाल ये है कि व्हाई वी कांट, नासिर का सवाल है जी, व्हाई वी कांट गिव इंसुलिन ओरली, इंसुलिन को हम ओरली नहीं देते, व्हाई, बिकॉज आपका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो आपके पास बहुत ज्यादा एसिडिटी कॉज करता है। ठीक है जी, गैस्ट्रिक एनवायरमेंट आपके पास बहुत ज्यादा क्या है, एचसीएल की वजह से एसिडिक होता है, तो जब एसिडिक एनवायरमेंट में आप एक इंसुलिन को देते हैं तो इंसुलिन आपके पास पेप्टाइड होता है, ठीक है जी, प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन इस एचसीएल की वजह से टूट जाता है। ठीक है जी, और वर्किंग नहीं करता, जब इंसुलिन काम नहीं करेगा तो फिर आपका फायदा क्या है इंसुलिन लेने का, दैट इज व्हाई यू डू नॉट गिव इट ओरली, यू ऑलवेज गिव इट इंजेक्टिवली। ठीक है जी, इनक्रेटेंस की समझ आई, इनक्रेटेंस आपके बॉडी में नॉर्मली पाए जाते हैं, हम बाहर से भी देते हैं टू इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन। इसमें जो बाहर से देने वाली ड्रग्स हैं वो आपके पास एक्सिनिटाइड है और लिराग्लूटाइड है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझ आया कि ये वो हैं जो कि डीपीपी एंजाइम से टूटने वाले नहीं होते, ये इनसे बच के चला जाता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ेंगे एंटी डायबिटिक्स में, ठीक है जी, जैसे मैंने कहा डीपीपी की बात की ना, डीपीपी एंजाइम की, डीपीपी एंजाइम क्या करता है, डीपीपी एंजाइम आपके जी जो आपका क्या है जीएलपी ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड वन, ठीक है जी, और जीआईपी, ठीक है जी, इन दोनों की क्या करवाता है, इन दोनों की डिग्रेडेशन करवाता है, ऐसी है ना, तो डिग्रेडेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर जीएलपी और जीआईपी की डिग्रेडेशन करवा रहा है, उस बंदे का क्या नाम है, उस बंदे का क्या नाम है जी, उस बंदे का नाम है जी डीपीपी एंजाइम, डीपीपी फोर एंजाइम। ठीक है जी, अब अगर आपने ऐसा एनालॉग दे दिया कि डीपीपी फोर से वो टूटता नहीं है तो वो भी ठीक, लेकिन अगर मैं ऐसे करूं कि मैं इस डीपीपी को ही ब्लॉक कर दूं तो फायदा नहीं हो जाएगा मेरा, डीपीपी होगा ही नहीं, तो बेशक ये अपने हॉर्मोन्स हो, अपने इंक्रेटेंस हो, ये बेहतर काम करना स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है जी, अपने इंक्रेटेंस बेहतर काम करना स्टार्ट कर जाएंगे इफ आई इनहिबिट द वर्किंग ऑफ डीपीपी एंजाइम। तो डीपीपी एंजाइम इनहिबिटर्स भी होते हैं आपके पास, ठीक है जी, डीपीपी डीपीपी फोर इनहिबिटर्स इनहिबिटर्स, ठीक है, ये आपके पास वो ड्रग्स होती हैं जो कि डीपीपी एंजाइम की इनहिबिशन करवा देती हैं, ना रहेगा डीपीपी एंजाइम और ना टूटेगा आपका नेचुरल इंक्रेटिन। एक मिनट, ठीक है जी, इसमें आपके पास जो ड्रग्स आती हैं, इसमें आपके पास जो ड्रग्स आती हैं वो कौन सी आती हैं जी, वो आपके पास आती हैं जी ग्लिप्टन वाली। ठीक है जी, एलो ग्लिप्टन, एलो ग्लिप्टन का नाम सुना होगा आपने, अगर ये नहीं सुना तो सिटा ग्लिप्टन का नाम तो जरूर सुना होगा। ठीक है जी, वार्ड्स में बड़ी, सिटा ग्लिप्टन, ठीक है जी, और इसके अलावा सेक्सा ग्लिप्टन है, सेक्सा ग्लिप्टन है, और इसके अलावा लीना ग्लिप्टन है, जितने भी ग्लिप्टन ग्लिप्टन है ये सारे आपके पास क्या है, ये डीपीपी इनहिबिटर्स हैं। डीपीपी इनहिबिटर से क्या मुराद है कि ये एंजाइम को रोक देते हैं, और एंजाइम नहीं होगा तो आपका इनहिबिशन, आपका जीएलपी और जीआईपी भी नहीं टूटेगा। ठीक है जी, बात समझ आई, डीपीपी इनहिबिटर की समझ आएगी, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आया आपको, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डीपीपी फोर इनहिबिटर्स। ठीक है जी, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। ठीक है जी,
एडवर्स इफेक्ट्स भी आते हैं। अब वो एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, एडवर्स इफेक्ट्स पहले जो हमने पढ़े ना उसमें अपना इनक्रेटन में, ठीक है जी, इनक्रेटन एनालॉग्स में सेम टू सेम वही आपके पास साइड इफेक्ट्स होती है, ठीक है जी। क्या हो जाता है आपको, डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो जाती है, ठीक है जी, आपको इंक्रीज सेटाइटी फील होती है, ठीक है जी, और कभी कभार पेंक्रियाटाइटिस का भी मसला होना हो सकता है, ये चीज भी हो सकती है, ठीक है जी। लेकिन जो दूसरी चीज है वो आपके पास है जी नेजल फेरेंजाइटिस, ठीक है जी, नेजो फेरेंजाइटिस या नेजल फेरेंजाइटिस, मतलब फेरेंजाइटिस भी हो सकता है, ये चीज जरा खास है जो कि पहले नहीं आई। बाकी एडवर्स इफेक्ट्स पिछले वाले की तरह ही है, सिर्फ ये है कि फेरेंजाइटिस वाला मामला वहां पे नहीं था, और DPP4 इनहिबिटर्स के साथ आपको फेरेंजाइटिस हो सकता है, ठीक है जी। ये आपके पास DPP4 इनहिबिटर्स हो गए। नेक्स्ट, द नेक्स्ट एंटी डायबिटिक इज सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है जी, सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है जी, बड़ी मशहूर है आपके पास, मेटफॉर्मिन सबने सुनी होगी, मेटफॉर्मिन सबने देखी होगी, ठीक है, बहुत कॉमनली यूज मेडिसिन है, और ये आपके पास सल्फोन, सॉरी मेटफॉर्म नहीं, अपना ब्राइट वाली, प्राइड वाली, ग्लिमेप्राइड वाली, ठीक है, ये आपके पास बड़ी कॉमनली यूज होती है। इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जरा समझ लें, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सल्फोनाइल यूरिया को समझने से पहले आप एक डायग्राम समझ लें, दिस इज अ डायग्राम ऑफ योर पेनक्रियाटिक सेल्स, ठीक है, बीटा सेल। अब ये आपका बीटा सेल है, ठीक है, बीटा सेल क्या करता है, बीटा सेल में क्या निकलता है, बीटा सेल से क्या निकलता है जी, बीटा सेल से आपका इंसुलिन रिलीज होता है ना, बीटा सेल से आपका इंसुलिन रिलीज होता है। अब ये इंसुलिन कैसे रिलीज होता है, सबसे पहले आपके पास एक चैनल होता है यहाँ पर, ठीक है जी, जिसको आप क्या कहते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लट, ग्लट टू बोलते हैं उसको, ठीक है जी, GLUT2, ग्लट टू एक चैनल है जिसके जरिए आपका क्या आ जाता है, बाहर से ग्लूकोज पड़ा होता है जो आपने खाया होता है, वो ग्लूकोज अंदर आ जाता है, ठीक है जी, कहाँ पर, बीटा सेल में, ठीक है, ये बीटा सेल की बात हो रही है। अब यहाँ पर क्या आया, ग्लूकोज आया, ये ग्लूकोज क्या कर जाता है, ग्लाइकोजिस, वो ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस होता है सारा कुछ, और इससे बन जाता है आपका ATP, ठीक है जी। अब ATP मॉलिक्यूल इसके पास बन गया इस ग्लूकोज से, अब ATP क्या करता है, वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है जी, जब ATP की कंसेंट्रेशन आपके पास बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ATP के ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर एक दूसरा चैनल पड़ा होता है, ठीक है जी, द अदर चैनल, यहाँ पर एक दूसरा चैनल पड़ा होता है जिसका नाम क्या होता है जी, उसका नाम होता है जी पोटाशियम चैनल, ठीक है जी। लेकिन ये पोटाशियम चैनल जो होता है ना, ये ATP सेंसिटिव होता है, ATP सेंसिटिव होता है, मतलब ATP के खिलाफ ये बड़ा सेंसिटिव होता है, ATP में चेंज आएगा तो ये कैल्शियम चैनल बंद हो, सॉरी पोटाशियम चैनल बंद हो जाएगा, ठीक है जी। इसको हम क्या करते हैं, मैंने क्या कहा आपको कि ग्लूकोज आया ATP में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी ज्यादा हुई, ज्यादा ATP होने की वजह से क्या कर गया, ये सेल इनहिबिट हो गया, क्या हो गया, ये चैनल इनहिबिट हो गया। अब अंदर पड़ा हुआ, अंदर पड़ा हुआ पोटाशियम, सॉरी अंदर पड़ा हुआ पोटाशियम, अंदर पड़ा हुआ पोटाशियम बाहर आ सकता है, बाहर आ सकता है, पहले ये बाहर आ रहा था ना, ये चैनल खुला हुआ था, अब चैनल की क्या होगी, इनहिबिशन होगी, तो चैनल पोटाशियम चैनल अगर बंद हो गया तो पोटाशियम अंदर से बाहर आ सकता है, पोटाशियम अंदर से बाहर नहीं आएगा ना, तो पोटाशियम जब अंदर से बाहर नहीं आएगा तो ये वापस चला जाएगा इस तरह, ठीक है, पोटाशियम बाहर नहीं जाएगा, बट इट विल बी रीबाउंड एंड गो बैक इनटू द सेल। ज्यादा पोटाशियम होने की वजह से, ज्यादा पोटाशियम की कंसेंट्रेशन जब ज्यादा हो जाती है तो इट लीड्स टू डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन हो जाती है, डीपोलराइजेशन तो आपको पता है ना कैसे होती है, उसमें आपके पास कैल्शियम चैनल खुलता है, और कैल्शियम चैनल खुलने की वजह से क्या हो जाता है, दिस इज द कैल्शियम चैनल, तो डीपोलराइजेशन होने की वजह से आपके पास क्या हुआ, बाहर पड़ा हुआ कैल्शियम अंदर आ गया, ठीक है जी। जैसे ही ये कैल्शियम अंदर आता है तो कैल्शियम अंदर आने के साथ यहाँ पर पड़े हुए इंसुलिन को भी रिलीज करवा देता है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास इंसुलिन है, ठीक है जी, इंसुलिन के वेसिकल्स हैं, तो ये वेसिकल्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इस वेसिकल के अंदर पड़ा हुआ है आपका इंसुलिन, ठीक है जी, राशिद स्टार्ट करें। अच्छा, जैसे मैंने कहा यहाँ पर पोटाशियम का बिल्डअप होने की वजह से आपका डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ डीपोलराइजेशन आपके कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, कैल्शियम चैनल के ओपन होने की वजह से कैल्शियम आपके सेल के अंदर आता है, सेल के अंदर होने का मतलब यह है कि प्रॉपरली डीपोलराइज हो गया है माहौल, ठीक है। तो इस डीपोलराइजेशन के नतीजे में आपका ये वेसिकल जो बना हुआ है इसके अंदर क्या था, इसके अंदर क्या था, इंसुलिन था, वो इंसुलिन यहाँ पर रिलीज हो जाता है बाहर, ठीक है जी। अब सारा का सारा इंसुलिन पहले अंदर था, सेल के अंदर था, बीटा सेल के अंदर, नाउ इट इज रिलीज, ठीक है जी, और ये जब रिलीज हो जाता है तो आपके पास एक क्या क्या ग्लूकोज कम करने वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ये आपके पास एक नॉर्मल वर्किंग है बीटा सेल की। बीटा सेल ने क्या करना होता है, बीटा सेल ने ग्लूकोज को सेंस करना होता है, ग्लूकोज को सेंस करके इतना सारा प्रोसेस करके उसने इंसुलिन को रिलीज करना होता है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आपने इंसुलिन को ज्यादा रिलीज करवाना है ना, तो आप क्या करो, आप इस वाले प्रोसेस को ज्यादा ज्यादा प्रमोट करो। जब आप सल्फोनाइल यूरिया देते हैं तो वो क्या करता है, वो आकर डायरेक्टली इनहिबिशन करवाता है आपके इस चैनल की, मतलब आपके पास ये चैनल बंद बंद होना चाहिए ना, इंसुलिन की रिलीज के लिए पोटाशियम चैनल को बंद होना चाहिए, तो आपका क्या करता है ये सल्फोनाइल यूरिया, सल्फा आता है, ठीक है जी, सल्फा बाहर से आता है और डायरेक्टली इसको इनहिबिट करवा देता है, तो जब ये बाहर से इनहिबिट हो गया, ठीक है जी, ये आपके पास इनहिबिशन करवा गया इस चैनल की, तो बस आपके पास पीछे से ग्लूकोज आने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली इस चैनल को ब्लॉक कर लो, इस चैनल के ब्लॉक होने की वजह से पोटाशियम बिल्डअप हो जाएगा और उसकी वजह से इंसुलिन रिलीज हो जाएगा। तो सल्फोनाइल यूरिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये बीटा सेल को, आपके पेंक्रियाज के बीटा सेल को कंपेल करता है टू रिलीज मोर एंड मोर ग्लूकोज, ये इसका कमाल होता है। जब आप सल्फोनाइल यूरिया लेते हैं तो आप बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ये चेंज ला रहे हैं कि आप बॉडी में एक्स्ट्रा इंसुलिन रिलीज करने की कमांड देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा रिलीज करवा रहे हैं इंसुलिन को,
बाय सिंपली इनहिबिटिंग पोटेशियम चैनल। जब आप इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी डिस्कस करेंगे या लिखेंगे या समझेंगे, तो आप सम सिर्फ ये लिख लें कि इनहिबिशन, इनहिबिशन ऑफ व्हाट, इनहिबिशन ऑफ पोटेशियम चैनल, ठीक है जी। और ये पोटेशियम चैनल जब बंद हो जाते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आपके पास इंसुलिन की रिलीज ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। अब इसमें जो आपके पास जो ड्रग्स आती हैं, वो ड्रग्स कौन सी हैं जी, वो ड्रग्स सारी आपके पास ब्राइट वाली रखें, ठीक है जी, प्राइड वाली, तो ग्लिमिप्राइड, ठीक है जी, ग्लिमिप्राइड, ग्लिमिप्राइड आपके पास एक कौन सी ड्रग है, सल्फोनाइल यूरिया है, क्या करती है, इंसुलिन की रिलीज को ज्यादा करवाती है, और ज्यादा करवा कर, कैसे करवा रही है, पोटेशियम चैनल की ब्लॉकेज करवाकर। ग्लिमिप्राइड आपके पास एक एग्जांपल है, ग्लाइब्यूराइड, ग्लाइब्यूराइड, ठीक है जी। इसके अलावा क्या है जी, ग्लिपलेजाइड, ग्लिपलेजाइड, ठीक है जी। और इसके अलावा भी है, वो क्या है, शायद 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 जरा देख लें, कंफर्म कर लें, वो क्या है जी, लिकलेजाइड है, ठीक है जी। तो सारी जो जाइड जाइड वाली है, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास सल्फोनाइल यूरियाज हैं, और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है जी। वो क्या करती है, पोटेशियम चैनल की ब्लॉकेज करवाती है, बस ये इतना याद रखें, ठीक है जी। इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी जरा सुन लें, ठीक है जी। एडवर्स इफेक्ट कुड बी ऑफ एनीथिंग, ठीक है जी। लेकिन आपके पास ज्यादा जो चीज होती है वो ये होता है कि जरूरत से ज्यादा जब आप इंसुलिन रिलीज करवा दो, तो आपकी बॉडी हाइपरग्लाइसीमिया से कन्वर्ट होकर हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकती है, ठीक है जी। इस वजह से इसकी डोज को सेंसिटिव डोज कहा जाता है, जरा गौर करके देखना होता है, ठीक है जी। डिपेंड वो चीज फिर मेडिसिन में हम स्टडी करते हैं, ठीक है जी। इसके साथ आपका इंसुलिन ज्यादा होने की वजह से ग्लूकोज स्टोरेज भी ज्यादा हो जाता है, ग्लूकोज की स्टोरेज ज्यादा हो जाती है, और स्टोरेज की वजह से आपका क्या हो जाता है, वेट गेन भी हो जाता है, ठीक है जी। वेट गेन भी एसोसिएटेड है इस चीज की वजह से, इस चीज के साथ, ठीक है जी। सल्फोनिलयूरिया समझ आ गया, आगे चलते हैं, ठीक है जी। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अनदर ड्रग, ठीक है जी, जो सिंपल इसी चीज पे डिपेंड करता है, जो इसी चीज को समझ लें जो अभी आपने पढ़ी, और उस चीज को बस हम खुद ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, ठीक है जी। द नेक्स्ट ड्रग इज ग्लेनाइड्स, ग्लेनाइड्स, ठीक है जी। ग्लेनाइड्स क्या है आपके पास, ग्लेनाइड्स आपके पास एंटी डायबिटिक है, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सेम सेम एज सल्फा सल्फोनाइल, ठीक है जी। सल्फोनाइल यूरियास की तरह ही है इसका मैकेनिज्म ऑफ, इस क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि वो ये भी पोटेशियम चैनल की ब्लॉकेज करवाएगा, पोटेशियम चैनल की ब्लॉकेज करवाएगा, तो पोटेशियम चैनल ब्लॉक होकर क्या करवाएगा, ऊपर इंसुलिन रिलीज करवाएगा, ठीक है जी। ये आपका क्या है, बीटा सेल है, बीटा सेल में क्या था, यहाँ पर एक चैनल था जिसका नाम क्या था, पोटेशियम चैनल, ठीक है जी। तो पोटेशियम चैनल की क्या होती, हमने पोटेशियम चैनल की ब्लॉकेज करवा दी, तो पोटेशियम चैनल की ब्लॉकेज की वजह से क्या हुआ, आपका दूसरा यहाँ पर एक दूसरा चैनल था जिसको कैल्शियम चैनल बोलते हैं, वहां से कैल्शियम अंदर आया, और कैल्शियम बिल्डअप होने की वजह से यहाँ पर जो आपके पास वो पड़े हुए थे, इंसुलिन पड़ा हुआ था, वो रिलीज हो गया, ठीक है जी। सो ये आपके पास काम है, ठीक है जी। अब इसमें फर्क सिर्फ ये है कि आपका जो सल्फोनाइल यूरिया था वो पोटेशियम चैनल को एक तरीके से ब्लॉक करवा रहा था, मतलब पोटेशियम चैनल की ब्लॉकेज करवा रहा था, लेकिन इस साइड पे ब्लॉकेज करवा रहा था, या इस साइड पे लगकर ब्लॉकेज करवा रहा था, ठीक है जी। लेकिन आपके पास अब जो ग्लेनाइड है, ये इसी चैनल को ब्लॉक करता है, सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि ये लोकेशन चेंज कर देता है, क्या पता इसने इस जगह पर एक्ट करके लोकेशन, मतलब इस लोकेशन पर ये चिपका हो, क्या पता ये इस लोकेशन पर चिपका हो, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन चेंज करके, मतलब रिसेप्टर यही है, इसी रिसेप्टर को ब्लॉक करना है, लेकिन रिसेप्टर का जो साइट है अटैचमेंट, उस अटैचमेंट साइट को चेंज करके आपका चैनल बंद करता है, ठीक है जी। पोटेशियम चैनल की ब्लॉकेज करवाता है, लेकिन एट अ डिफरेंट साइट फ्रॉम सल्फोनाइल यूरिया। तो सल्फोनाइल यूरिया और ग्लेनाइड दोनों एक ही चैनल को ब्लॉक करके इंसुलिन की रिलीज करवा रहे हैं, लेकिन सिर्फ द अटैचमेंट साइट इज डिफरेंट ऑन द सेम रिसेप्टर, ठीक है जी। ये आपके पास ग्लेनाइड की कहानी हो गई, ग्लेनाइड आपके पास मोर रैपिड देता है आपके पास इफेक्ट, ठीक है जी, मोर रैपिड एक्शन देता है एज कंपेयर टू सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है जी। अब आपके पास इसमें ड्रग्स कौन सी है, इसमें आपके पास जो ड्रग्स आती है, ठीक है जी, वो आपके पास आती है जी नेटा ग्लेनाइड, नेटा ग्लेनाइड, ठीक है जी। ग्लेनाइड है ना, ग्लेनाइड है, तो नाम भी ग्लेनाइड से निकला है, ठीक है जी। द फर्स्ट नजर नहीं आ रहा आपको, द फर्स्ट ड्रग इज नेटा ग्लेनाइड एंड द सेकेंड ड्रग इज रेपा ग्लेनाइड, रेपा ग्लेनाइड, ठीक है जी। ये जितने भी ग्लेनाइड्स हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम टू सेम है सल्फोनाइल यूरिया के साथ, लेकिन सिर्फ वो है अपना साइट ऑफ अटैचमेंट जरा सा डिफरेंट है, ठीक है जी। जाहिर सी बात है, जब इतना काम इनका सेम है, तो फिर एडवर्स इफेक्ट भी सेम होंगे, जो इफेक्ट आपके पास, जो एडवर्स इफेक्ट आपने पीछे सल्फोनाइल यूरिया में पढ़े थे, वही आपके पास यहाँ पे भी पाए जाते हैं, ठीक है जी, सेम एज सल्फा, ठीक है जी। अच्छा, ये आपके पास ग्लेनाइड हो गई, ग्लेनाइड में ज्यादा कुछ बात नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट ड्रग इज, द नेक्स्ट ड्रग इज बिगवनाइड्स, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिगवनाइड्स आपके, बिगवनाइड्स, ठीक है, ये कॉमनली यूज होने वाली ड्रग है। इसमें बड़ी मशहूर ड्रग आती है मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन हर दूसरे तीसरे एंटी डायबिटिक, सॉरी हर दूसरे तीसरे डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है, व्हाई, बिकॉज इसका जो जो रिजल्ट है, थेरेप्यूटिक रिजल्ट है, दे आर वेरी गुड, ठीक है जी, इन लोअरिंग हाइपरग्लाइसीमिया। अब इसका जब हम डिटेल पढ़ते हैं बिगवनाइड्स की, तो साफ बात यह है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज स्टिल वेरी मच अननोन, ठीक है जी, मतलब कंफर्म नहीं है कि ये बिगवनाइड्स कैसे काम करते हैं, लेकिन एक थ्योरी और एक हाइपोथेटिकली चीज समझी जाती है, वो ये है कि मे बी ये आपकी क्या करता है, मे बी ये इस तरह काम करती हो कि आपका जो, जैसे मैंने कहा ना, लिवर है, तो लिवर से ग्लूकोज रिलीज होता है, याद है ना, लिवर में ग्लूकोज स्टोर भी होता है और ग्लाइकोजन टूट कर फिर ग्लूकोज भी बनाता है, तो हो सकता है इट मे बी इट डिक्रीज, मे बी डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज सिक्रीशन, हेपेटिक ग्लूकोज सिक्रीशन, मतलब यह है कि हेपेटिक ग्लूकोज नहीं रिलीज होगा,
तो जाहिर सी बात है आपका ग्लूकोज भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है जी, नॉर्मली आपका जब थोड़ा सा आप पोस्ट प्रांडियल जाते हैं, खाना नहीं खाया होता अपना, तो आपका ग्लूकोज लिवर से शिफ्ट हो जाता है आपको हेल्प करने के लिए। डायबिटिक्स में ये मसला होता है कि उनका एबनॉर्मली ग्लूकोज हाई होता है, तो अगर उस सूरत में आपका हेपेटिक ग्लूकोज भी आ जाए मैदान में तो आपका तो आपकी हालत बिगड़ जाएगी। आप इस वजह से क्या करते हैं, डिक्रीज हेपेटिक सिक्रीशन करते हैं ग्लूकोज की। ठीक है जी, एक दूसरा काम भी समझा जाता है कि हो सकता है ये काम हो सकता है कि ये भी हो कि ये आपकी जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन से, मतलब ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा तभी ब्लड में जाएगा ना, खाना पेट से एब्जॉर्ब होगा तभी खून में शामिल होगा, तो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जो है अगर वो हम कम कर दें, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन, अगर इंटेस्टाइन से हम इसकी एब्जॉर्प्शन को ही कम कर दें तो ऑब्वियसली आपका ग्लूकोज आपको मिलेगा कम, मतलब ज्यादा ज्यादा आपका जो ग्लूकोज होगा वो स्टूल में ही बह जाएगा, तो देर विल बी नो पीक इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है जी, इसमें आपके पास तीसरी एक थीरी भी पाई जाती है, वो तीसरी थीरी ये है कि ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज सेंसिटिविटी टू द सेल्स। देखें आपके पास क्या आता है, ये आपके पास ब्लड है, ठीक है जी, इसमें आपके पास क्या आया, ये आपके पास नजर नहीं आ रहा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ब्लड स्ट्रीम है, इसके इसमें आपके पास ग्लूकोज आया, ठीक है जी, ग्लूकोज ज्यादा है, यू हैव हाइपरग्लाइसीमिया, आपने बिग वन आइज ली या आपने मेटफॉर्मिन लिया, वो क्या करता है, यहाँ पर पड़े हुए सेल्स हैं आपके, ठीक है जी, तो वो क्या करता है, मेटफॉर्मिन क्या करता है, वो यहाँ से इस ग्लूकोज को उठाकर लेके आता है इस सेल के अंदर, ठीक है, और जबरदस्ती लेके आता है, जबरदस्ती इस सेल में स्टोर करवाता है, तो आपका ग्लूकोज बाहर नहीं रहता बल्कि इट इट इंटर द सेल बाय फोर्स, तो बाय फोर्स काम हो जो भी काम हो, लेकिन ग्लूकोज तो आपका काम हो गया ना, ठीक है जी, तो इस चीज को भी जाना जाता है कि मे बी जो बिग वन आइड्स हैं वो एक्ट करती हो बाय इंक्रीजिंग ग्लूकोज सेंसिटिविटी, ग्लूकोज सेंसिटिविटी इन सेल्स, ठीक है जी, और सेल्स जब ग्लूकोज को ज्यादा सेंसिटिव होंगे तो दे विल हैप्पीली एब्जॉर्ब द ग्लूकोज, ग्लूकोज की अपटेक ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है जी, इसमें आपके पास जो ड्रग आती है, जिस तरह मैंने कहा कौन सी ड्रग आती है जी, द ड्रग इन दिस वन इज ओनली एंड ओनली मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन, ठीक है जी, अगर आप घर घर में आपके हैं, हर किसी के घर में होते हैं, इतनी बड़ी बला है आजकल, जरा उनके अगर आपके घर में है डायबिटिक पेशेंट तो उनके जरा डेली जो उनकी मेडिसिन है उसको जरा एक बार देख लें और देख लें कि उन्होंने कौन से कैटेगरीज के ड्रग्स दिए हुए हैं उनको, ठीक है, तो मेटफॉर्मिन प्रॉबेबली जरूरी होगा, उस उसमें लाजमी होगा, किसी हर दूसरे तीसरे पेशेंट में मेटफॉर्मिन होता है, ठीक है, इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज अननोन, लेकिन प्रॉबेबली समझा जाए ये ज्यादा है कि सेंसिटिविटी ज्यादा कर देता है, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कम करवा देता है वगैरह वगैरह, ठीक है, इसमें जब आप एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे, ठीक है जी, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बिगवेनाइड्स या मेटफॉर्मिन, जाहिर सी बात है जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपकी क्या हो जाएगी, वेट लॉस नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म यूज ऑफ बिगवेनाइड्स कॉजेस वेट लॉस, ठीक है, जब डायरिया सॉरी ग्लूकोज नहीं एब्जॉर्ब होगा और ग्लूकोज स्टूल्स में आगे जाता रहेगा, इट मे कॉज डायरिया, ठीक है जी, डायरिया बहुत एसोसिएटेड होता है बिगवेनाइड्स के साथ, ठीक है, और तीसरी चीज वॉमिटिंग वाली फीमेल भी ज्यादा फीलिंग भी ज्यादा आती है, ठीक है, तो ये चीजें बिगवेनाइड्स के साथ है या मेटफॉर्मिन के साथ है, बड़ी आसान सी चीज है, ठीक है, वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट ड्रग, अभी तक हमने 7 ड्रग्स पढ़ ली है, ठीक है, 7 चीजें पढ़ ली अपना एंटी डायबिटिक्स डायबिटिक्स में, तीसरी जो हम चीज जो 8वीं जो हम चीज पढ़ते हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या है जी, थाइजोलीन डायोन्स, ठीक है जी, थाइजोलीन डायोन्स आपके पास बड़ी ही एक क्या कहते हैं एक वियर्ड सी ड्रग है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बड़ा सा वियर्ड सा है, आम अल्फाज में समझाया नहीं जा सकता, लेकिन बस आप ये समझें कि ये एक्टिवेशन करता है एक खास किस्म के रिसेप्टर की, ठीक है, ये एक्टिवेशन करवाता है, एक्टिवेशन ऑफ अ रिसेप्टर, और वो रिसेप्टर जो आपके पास है ये न्यूक्लियर रिसेप्टर है, मतलब आपकी न्यूक्लियर सिंथेसिस जो होती है, डीएनए सिंथेसिस जो होती है, उस डीएनए सिंथेसिस में ये रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है, इस रिसेप्टर की एक्टिवेशन हो जाती है, इस रिसेप्टर का पूरा नाम आपके पास क्या है, इसका पूरा नाम तो बहुत लंबा है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या 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 कहा जाता है, PPARY, ये आपके पास वो रिसेप्टर है, ठीक है जी, तो PPARY रिसेप्टर को एक्टिवेट किया जाता है, जब ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, जब ये एक्टिवेट हो जाता है PPARY रिसेप्टर, इसकी एक्टिवेशन से नए प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है जी, इसकी एक्टिवेशन से नए प्रोटीन बनते हैं, नए प्रोटीन जब आपके पास बनते हैं तो वो कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो आपके पास ऐसे चेंजेस लाती हैं आपके बॉडी में कि वो चेंजेस सबसे पहले क्या करती हैं, आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देती है, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, मतलब एक डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है जी, वो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस था, उसकी सेल्स इंसुलिन को रेजिस्ट करवा रहे थे, आपने क्या लिया, आपने थायोजोलीन डायोन्स लेने के बाद क्या हुआ, उसकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज्यादा अच्छी हो गई, अब इंसुलिन पहले काम नहीं कर रहा था, ग्लूकोज की अपटेक नहीं करवा रहा था, लेकिन नाउ आफ्टर टेकिंग दिस ड्रग उसकी इंसुलिन की का जो काम है वो बेहतर हो गया और ग्लूकोज वाज इजीली अपटेकिंग इन द सेल्स, ठीक है जी, ये काम हो जाता है, ठीक है जी, अब इतनी सी बात है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, इट्स बस आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर ज्यादा होती है तो कहाँ कहाँ होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी एडिपोज में, एडिपोज टिश्यू में ज्यादा हो जाती है, आपके एडिपोज टिश्यू ज्यादा ज्यादा
ग्लूकोज रिसीव करने लग जाते हैं, ठीक है जी। आपके मसल सेल्स ज्यादा ज्यादा करने लग जाते हैं ग्लूकोज की अपटेक। आपका लिवर सेल ज्यादा ज्यादा स्टोरेज करना स्टार्ट कर जाता है इन ग्लूकोज की। दिस इज हाउ थायाजोलिन डायोन्स वर्क, ठीक है जी। इसमें आपके पास जो ड्रग्स आती हैं वो कौन सी ड्रग्स हैं? द ड्रग्स इंक्लूड पायोग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन नजर आ रहा है आपको, पायोग्लिटाजोन, ठीक है जी। और दूसरी आपके पास ड्रग है वो क्या है जी? रोजी रोजी ग्लिटाजोन, ठीक है जी। ये दो आपके पास ड्रग्स हैं। दी बोथ आर द ड्रग्स विच चेंज द जेनेटिक सिंथेसिस, जो डीएनए सिंथेसिस है उसकी चेंजिंग करवाता है, और इस तरह चेंजिंग करवाता है कि आपके मुख्तलिफ सेल्स में इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है जी। ये आपके पास इसके ड्रग्स आते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट्स जरा समझ लें। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? एडवर्स इफेक्ट इसका ये है कि ये आपको एब्डोमिनल पेन क्रिएट करता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स क्रिएट करता है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन का मतलब ये है कि बस आपको पेन होना हो जाता है एपिगैस्ट्रिक रीजन पे, या इंटेस्टाइनल पेन होना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल पेन या एब्डोमिनल पेन होना स्टार्ट कर जाता है, आपके बॉडी में पेरिफेरल एडिमा भी कर सकता है, ठीक है जी। ड्यू टू अननोन मैकेनिज्म पेरिफेरल एडिमा भी कर सकता है, मतलब ये कि आपके हाथ पांव सूज सकते हैं, दे कैन बिल्ड अप वाटर। और तीसरी चीज ये है, जैसे कि मैंने कहा ये लिवर पर एक्ट करती है और लिवर में सेंसिटिविटी को ज्यादा करती है, तो लिवर टॉक्सिसिटी भी कर सकती है, ठीक है, अगर अगर ये आपका एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर जाए। दिस इज द स्टोरी ऑफ थायोजोलिन डायोन्स एंड दीज आर द टू ड्रग्स, ठीक है जी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट ड्रग। अब हम दूसरी ड्रग की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। दूसरी ड्रग में आपके पास आती है जी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर। सोडियम पूरा लिखूं मैं, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, ठीक है, को ट्रांसपोर्टर टू इनहिबिटर्स, ठीक है। अब इनहिबिटर्स का मतलब यह है कि कोई ना कोई चीज इनहिबिट होगी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन होगी क्या चीज, वो कौन सी चीज होगी जो इनहिबिट हो रही है? वो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इनहिबिट हो रहा है। मतलब इसका मतलब यह है कि देयर इज अ प्लेस जहां पर सोडियम और ग्लूकोज दोनों की को ट्रांसपोर्ट होती है, और वो प्लेस कौन सा होता है? वो प्लेस आपका होता है जी, एक मिनट, वो प्लेस आपका होता है जी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इन किडनीज, ठीक है जी। किडनीज क्या करती हैं? किडनीज आपके पास, ये आपके पास किडनी कप है, ठीक है, जैसे आप ग्लोमेरुलस कहते हैं, वो क्या करता है? वो आपके पास एक प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बनाता है। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल फिर क्या करता है? लूप ऑफ हेनले में तब्दील हो जाता है, और लूप ऑफ हेनले फिर आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट वगैरह सब कुछ बना लेता है। अब ये जो जगह है ना यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में आपके पास जब इसको हम गौर से देखेंगे, तो गौर से या जूम करके जब देखते हैं, तो इसका मतलब ये कि ये आपके पास क्या है, ये अगर वॉल्स हैं और यहाँ पर ग्लूकोज दौड़ रहा है, ठीक है, ग्लूकोज दौड़ रहा है, लेकिन ग्लूकोज के साथ सोडियम भी होता है, ठीक है। तो सोडियम और ग्लूकोज ये दोनों एक साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सोडियम एब्जॉर्ब होता है, तो सोडियम एब्जॉर्ब होते ही पीछे जो ग्लूकोज होता है वो भी इसे फॉलो करता है। एंड इन बोथ ऑफ दीज बोथ ऑफ मतलब बोथ ऑफ ये दोनों आपके पास, दोनों जो आपके पास चीजें हैं, सोडियम हो गया और ग्लूकोज हो गया, ये दोनों, इन दोनों की क्या हो जाती है? रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। इसको हम सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है जी। अब अगर आपने बॉडी में ग्लूकोज कम करना है, व्हाट डू यू वांट? यू वांट मोर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन बैक टू द बॉडी, या आप चाहते हैं कि ग्लूकोज एब्जॉर्ब ना हो और नीचे बह जाए? आप चाहते ये हैं, एक डायबिटिक पेशेंट में आप ये चाहते हैं कि ग्लूकोज ज्यादा बह जाए ना, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? आप सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर देते हैं। व्हाई? बिकॉज यू वांट टू इनहिबिट दिस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म या प्रोसेस। तो इस वजह से आपका जो ग्लूकोज होता है वो यहाँ से ट्रेवल करते करते आगे यूरिन में शामिल होकर चला जाता है। इन दिस वे यू डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय डिक्रीजिंग द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज इन टू द बॉडी, ठीक है जी। अब इसका जो आपके पास सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट है, इसमें आपके पास ड्रग्स कौन सी आती हैं? इसमें आपके पास ड्रग्स कौन सी आती हैं? इसमें आपके पास ड्रग्स आती हैं जी कैनाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, ठीक है जी। और दूसरी भी फ्लोजिन ही है, उसका क्या नाम है जी? डेपा, डेपा ग्लिफ्लोजिन, ठीक है जी। दीज टू आर द ड्रग्स विच आर सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स। व्हाट डू दे डू? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इन द किडनीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज एंड सोडियम ट्रांस बैक रीअब्सॉर्प्शन। आप क्या करते हैं? आप इसकी यहाँ पर इनहिबिशन करवा देते हैं। जब यहाँ पर इनहिबिशन हो जाएगी तो आपका ग्लूकोज बैक टू द बॉडी एब्जॉर्ब नहीं होगा, बल्कि नीचे क्या हो जाएगा? यूरिन में शामिल हो जाएगा, ठीक है जी। और ज्यादा ज्यादा ग्लूकोज आपका यूरिन में बहेगा, देयर विल बी डिक्रीज्ड ग्लूकोज, ठीक है जी। अच्छा, कि आपके पास ड्रग की कहानी होगी जी, एम्पाग्लिफ्लोजिन, बिल्कुल। ये सारी ग्लिफ्लोजिन, फ्लोजिन वाली जो ड्रग है ना, वो सारी आपके पास सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स होती हैं, ठीक है जी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लें, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बाकी चीजें होती रहेंगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ड्रग्स इंक्लूड फ्लोजिन वाली सारी ड्रग्स, इसमें आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई चीज नहीं है। अब देखिए, एडवर्स इफेक्ट भी समझ आने वाली चीज है, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा कि यहाँ पर ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो यूरिन में बह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या हो जाएगा? आपको जहां पर ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज एन ऑस्मोटिक क्या है, न्यूट्रिएंट है ना, या आपकी ऑस्मोलिटी को ज्यादा करता है, तो जिस फ्लूड में ग्लूकोज ज्यादा हो उसकी ऑस्मोलिटी भी ज्यादा होती है, और वहां पर वाटर फ्लो करता है, फॉलो करता है। तो अगर ग्लूकोज इस चैनल के जरिए फ्लो कर रहा है, जाहिर सी बात है कि पीछे वाटर भी फ्लो करता हुआ आगे जाएगा, एंड देयर विल बी मोर एंड मोर यूरिन फॉर्मेशन, जिसको आप क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक
डायूरेसिस कहते हैं, ठीक है जी। डायूरेसिस मींस इंक्रीज यूरिनेशन, मतलब यूरिनेशन के प्रोसेस को डायूरेसिस बोलते हैं, और इसको हम ऑस्मोटिक डायूरेसिस इसलिए बोलते हैं, व्हाई, बिकॉज इट इंक्लूड्स द ऑस्मोटिक फ्लो ड्यू टू द ग्लूकोज। ग्लूकोज पीछे पीछे वाटर को लेके आता है अपने साथ, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपके पास दूसरा एडवर्स इफेक्ट क्या है, जाहिर सी बात है, व्हेन देयर इज टू मच डायूरेसिस तो आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। सो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो गई, डी स्टार्ट करें जी। मैंने क्या कहा, एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट में, आपके पास ऑस्मोटिक डायूरेसिस आ गया और आपके पास डिहाइड्रेशन एंड मोर थर्स्ट ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ठीक है। तीसरी चीज आपके पास बड़ी अजीब सी है, उसका हम क्या कहते हैं, अपर सॉरी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई भी बड़े कॉमन है इस ड्रग के साथ। अब आप कहेंगे जी मैं डायबिटीज के लिए दवाई ले रहा हूँ, मुझे यूटीआई कैसे हो गया। यूटीआई इस तरह हो गया बिकॉज आपका जो ये ग्लूकोज है ये क्या है, मीठा है ना, मीठा है, इट इज न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ ऑफ मेनी थिंग्स। आपको खुद भी चाहिए होता है, तो बैक्टीरिया को भी पसंद होता है ये वाला एनवायरमेंट। तो जब आपका ये यूटीआई क्यों हो जाता है, आपका ग्लूकोज जब यूरिन में फ्लो करता है तो देखे ना, पहले किडनी आता है, ठीक है, ये आपके पास किडनी है, किडनी से यूरेटर में जाएगा, फिर यूरेटर में ब्लेडर में स्टोर होगा, और ब्लेडर से फिर यूरेथ्रा में जाएगा, ठीक है। तो इतना यहाँ से आपका ग्लूकोज रिलीज हुआ और यहाँ तक चल के आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सारा रास्ता जो है ना ये फेवरेबल कंडीशन बना रहा है आपके बैक्टीरियाज के लिए। तो बैक्टीरियाज अगर वहां पर पोटेंशियल बैक्टीरिया की बात करूँ, ठीक है, पोटेंशियल इन्फेक्शन का चांस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सबको हो, लेकिन देयर कैन बी अ पोटेंशियल चांस ऑफ डेवलपिंग यूटीआई, ठीक है जी। ये चीज इसके साथ इन्वॉल्व है, बाकी अगर आपको समझ आया तो हम आखिरी ड्रग की तरफ चलते हैं। आपको समझ आया सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स की, समझ आई, आगे चले। यस सर, यस सर। अच्छा जी, फिर आखिरी चीज हमारे पास आती है, ठीक है जी। आखिरी चीज क्या है हमारे साथ, एक मिनट जी, एक मिनट। अच्छा चले, फिर क्या है जी आपके पास, अभी आपके पास जो सबसे आखिरी वाली एंटी डायबिटिक है उसमें आपके पास क्या है जी, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, ठीक है जी। अब ये इनहिबिटर्स फिर इनहिबिट वाली बात आ गई, देयर मस्ट बी समथिंग जो कि इनहिबिट हो रहा है, ठीक है जी। अब क्या चीज इनहिबिट हो रही है, वो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिट हो रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको अल्फा ग्लूकोसाइडेज समझने की जरूरत है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज आपके पास क्या है, ये आपके पास एक एंजाइम है, ठीक है जी, ये आपके पास क्या है, एक एंजाइम है, और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये आपके इंटेस्टाइन में पड़ा होता है, ठीक है जी। आपका इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्टिव एरिया होता है, जो माइक्रोविलाई होते हैं, उस माइक्रोविलाई में ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज पड़ा होता है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, दिस इज योर कैनाल, ठीक है, मतलब ये आपका इंटेस्टाइन है, और फॉर एग्जाम्पल ये, चलिए इसको जरा जूम करके देखते हैं, ठीक है। जब इसको हमने जूम करके देखा तो हमें क्या नजर आया कि यहाँ पर आपके पास ये चीज थी, ये सेल्स हैं, ठीक है, ये आपके पास वो माइक्रोविलाई वाली चीज है, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स और माइक्रोविलाई वगैरह वाली चीज। और इसके पीछे इस सेल्स के पीछे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ब्लड स्ट्रीम पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ब्लड स्ट्रीम में ब्लड दौड़ रहा है। अब आपके पास ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज क्या है और ये कहाँ पर पड़े होते हैं, ये आपके पास यहाँ पर एक एंजाइम पड़ा होता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ठीक है जी। ये एंजाइम क्या करता है, पीछे आने खुराक में आने वाले जो जो रोटी होती है, आप रोटी खाते हैं ना, रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स जब भी आते हैं तो ये मोनोमर की फॉर्म में नहीं होते, ये पॉलीमर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मतलब ये आपके पास मुख्तलिफ सेल्स होते हैं जो कि बाइंडेड होते हैं टू वन अनदर। अब ये आपके पास सेल्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको क्या, ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज का काम क्या होता है कि तुम इधर रहो, ठीक है, तुम इधर पड़े रहो, और जैसे ही कोई ग्लूकोज का बिग मॉलिक्यूल आएगा, लार्ज मॉलिक्यूल आएगा, तुम उसे तोड़ दो और छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाकर क्या कर दो, तो मुझे यहाँ पर शिफ्ट कर दो, ग्लूकोज को यहाँ पर खून में शामिल कर दो, ठीक है जी। तो आपकी एब्जॉर्प्शन इस तरह होती है कि एक कार्बोहाइड्रेट का, फॉर एग्जाम्पल एक कार्बोहाइड्रेट है, उसका एक बहुत, कोई भी खुराक हो, उसका एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज उसकी ब्रेकिंग करवाता है, और ब्रेक करवा के उसके मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करके एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आपके खून में शामिल करता है। अब मेरा क्या काम है, मुझे डायबिटीज है, सो मुझे तो ग्लूकोज नहीं चाहिए, मुझे तो ग्लूकोज कम चाहिए, तो मेरा काम ये होगा कि मैं इस कार्ब को अपने खून के अंदर शामिल होने ना दूं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसके लिए मैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम का इनहिबिटर दे दूंगा। ये इनहिबिटर क्या करेगा, ये इस अल्फा ग्लूकोसाइडेज की एक्टिविटी को कम करेगा, ना रहेगा आपका अल्फा ग्लूकोसाइडेज और ना होगी आपकी कार्ब्स की एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड। दिस प्रोसेस डिक्रीज, आपके पास जो जो आपका जो ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज है वो कम हो जाता है ड्यू टू दिस डिक्रीज इन अल्फा ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। बात आपको समझ आई है, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट होना होता है ताकि ब्लड में शामिल हो जाए। अब वो सिंपल शुगर्स बन ही नहीं रहे, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो अंदर तो नहीं आ सकते ना, वो तो लार्ज ही हैं, तो लार्ज मॉलिक्यूल इसी तरह पड़े होंगे और स्टूल में शामिल होकर बाहर निकल जाएंगे। दिस इज गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, इसलिए उनको हम अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स देते हैं। ये क्या है, ये दीज आर एंजाइम प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन्स और वगैरह वगैरह सारी चीज आपको समझ आ गई, ठीक है जी। जैसे ही मैंने कहा आपको, ठीक है, कि मैंने क्या कर दिया, इस इनहिबिशन कर दी, ठीक है, तो इनहिबिशन से क्या हो जाएगा, इनहिबिशन हो गई, इनहिबिशन से क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ग्लूकोज अपटेक हो जाएगा कि नहीं, ग्लूकोज अपटेक बंद हो जाएगा, बताएं जी ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ग्लूकोज अपटेक ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगा, ग्लूकोज अपटेक बताएं ना जी, ग्लूकोज अपटेक डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे ही ग्लूकोज का अपटेक डिक्रीज हो जाएगा तो आपके पास खाने के बाद वाला ग्लूकोज कम हो जाएगा, मतलब खाना, आप खाना खाएंगे भी लेकिन फिर भी आपका ग्लूकोज हाई नहीं होगा। वैसे नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट्स क्या करते हैं, जब वो खाना खाते हैं तो उनका बीपी हाई हो जाता है ना, रैंडम पे उनका बीपी हाई हो जाता है, तो रैंडम पे भी आप
आपका जो ग्लूकोज होगा वो हाई नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज अपटेक डिक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से आपका डिक्रीज हो जाएगा पोस्ट प्रांडियल, पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज, ठीक है जी। पोस्ट प्रांडियल का मतलब है खाना खाने के बाद, तो खाना खाने के बाद का ग्लूकोज आपको कम हो जाएगा, एंड देयर विल बी नो हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है जी। ये आपके पास अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स होते हैं, इसमें आपके पास दो ड्रग्स आती हैं, ठीक है जी। इसमें आपके पास जो ड्रग्स आती हैं, ठीक है जी, द ड्रग्स इंक्लूड ए कार्बोज, ठीक है जी, द सेकंड ड्रग इंक्लूड्स मिगलिटोल, ठीक है जी, मिगलिटोल ए कार्बोज, बोथ आर अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। जब हम इसकी बात करते हैं तो फिर एडवर्स इफेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है जी। द एडवर्स इफेक्ट्स इन द अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, जाहिर सी बात है ये आपके इंटेस्टाइन पे एक्ट करते हैं, तो इंटेस्टाइन पे एक्ट करने की वजह से वहां पर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, पेन कह लें या क्रैम्स कह लें, ठीक है जी। तो बोथ आर एसोसिएटेड विद अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। इसके अलावा गैस, हम जो कहते हैं ना पेट में गैस बन गई, गैस बन गई, तो वो चीज भी हो सकती है, ठीक है जी। ब्लोटिंग भी हो सकती है आपको, और आपको डायरिया भी हो सकता है, ठीक है जी। ये आपके पास सारी की सारी कहानी हो गई ऑफ अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, ठीक है जी। अब तक देखें, शुरू से अब तक हमने क्या पढ़ा, शुरू से मेरे पास वो पेजेस अभी नहीं है, किधर है, इधर दोगे। हाँ क्या पढ़ा जी, छोड़ें जी, जो भी पढ़ा, ठीक है। देखें, समराइज करने की जरूरत नहीं है, आप में लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप बाद में देख लें, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डायबिटीज को डिस्क्राइब किया, ठीक है जी, डायबिटीज कंडीशन कैसे होती है, फिर हमने डायबिटीज के टाइप्स को डिस्कस किया, ठीक है जी। डायबिटीज के टाइप्स करने के बाद हमने फिर इंसुलिन की सिक्रीशन प्लस ग्लूकागॉन की सिक्रीशन सिक्रीशन ये दोनों पढ़े, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने ड्रग्स पढ़ी, ड्रग्स में हमने इंसुलिन पढ़ा, ठीक है जी। इंजेक्टेबल इंसुलिन, सारे इंसुलिन, रैपिड इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, सारे पढ़ लिए, ठीक है, ये चीज पढ़ ली थी। इंसुलिन पढ़ने के बाद हमने क्या किया, सल्फोनाइल्स पढ़े, सल्फोनाइल्स पढ़ने से पहले भी हमने क्या किया था, सबसे पहले कौन सी ड्रग थी, सल्फोनाइल पहले से पढ़ने क्या किया था, क्या किया था, इंक्रेटिंस किया था ना, इनक्रेटिंस किए थे, इनक्रेटिंस किए थे, ठीक है जी। इनक्रेटिंस के एनालॉग्स पढ़ लिए थे, इनक्रेटिंस के एनालॉग्स पढ़ने के बाद हमने क्या किया, हमने अपना डीपीपी, डीपीपी फोर इनहिबिटर्स पढ़ लिए थे, ठीक है जी। डीपीपी फोर इनहिबिटर्स करने के बाद हमने सल्फा पढ़ लिए थे, सल्फोनाइल यूरियाज पढ़ लिए थे, सल्फोनाइल यूरियाज पढ़ने के बाद हमने कौन सी चीज पढ़ी थी जी, जो सल्फोनाइल यूरिया की तरह काम करती थी, जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फोनाइल यूरिया के जैसे ही था, कौन सी थी जी, वो ग्लेनाइड्स ना, ग्लेनाइड्स आपके पास कौन से थे, जिनका सल्फोनाइल यूरिया की तरह ही था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ग्लेनाइड्स भी पढ़ लिए थे, ग्लेनाइड्स पढ़ने के बाद हमने बिगवनाइड्स भी पढ़ लिए, जिसमें हमने मेटफॉर्मिन पढ़ लिया था, ठीक है। बिगवनाइड्स भी पढ़ लिए थे, बिगवनाइड्स पढ़ने के बाद हमने थायोजिलाइन डायोन्स वो चीज पढ़ ली थी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अल्फा ग्लूकोसाइडेज पढ़ लिया था, ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स पढ़ लिए थे, हाँ। और इससे पहले कौन सी चीज की थी, वो अपना सोडियम, वो सोडियम ट्रांसपोर्ट वाला चीज, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स पर। ये सारी चीजें हमने डायबिटीज के चैप्टर में एक्सप्लेन कर ली, ठीक है जी। अगर आपने ये लेक्चर पूरी तरह से सुन लिया होगा, यू विल नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है जी। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना हमारा क्लास आज के लिए खत्म होगी।